गाइस कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सर्दी हो गया है वो अलग है। तो कल रात पूरा आंधी वांधी आया है दोबारा। बहुत सारे गाछ गिर गए हैं इधर सामने वाले बगीचे में। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी सब सेफ है और सेफ भी होना चाहिए। तो मैं नहा लिया हूँ अभी और टाइम हो रहा है अभी बज के 5:45। तो चलता हूँ, पूजा करता हूँ और कोचिंग के लिए जल्दी जल्दी रेडी होता हूँ मैं, क्योंकि फिर भी दिल कितना भी जल्दी उठ जाऊँ फिर भी लेट हो जाता है। इसलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और आपसे 2 मिनट मतलब कुछ देर बाद बात करते हैं, ठीक है? तो चलो पूजा करते हैं, उसके बाद बात करता हूँ आपसे मैं। अभी हम पूजा वूजा कर लिए हैं और देख लो टीका लग गया है। तो चलो अभी मैं पूजा वूजा कर भी लिया हूँ और जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाता हूँ घर में बना हुआ तो बन गया। मम्मी लंच वंच दे दिया मेरे को ऐसे भी। तो चलो कुछ जल्दी खाते हैं उससे पहले, उसके बाद चलते हैं कोचिंग। टाइम हो गया है 7 बज गया है और कोचिंग है 7:10 में। तो ठीक है चलते हैं कोचिंग पे और चार्ज लगाते हैं फ़ोन को, तो बाकी तो बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है, रेडी होके फिर सही से बात करता हूँ आपसे मैं। मैं अभी रेडी हो रहा हूँ क्योंकि हो गया है बहुत ज़्यादा लेट और सर कल ही बहुत डांट दिए थे मेरे को और विक्रम भैया को, तो आज लेट नहीं होना है हमको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए नहीं कोचिंग के लिए। और भाई तो चलो हो गया मैं रेडी और तो ठीक है, मिलते हैं कोचिंग में या फिर रास्ते में अगर कोई ऐसा मिले कि हाँ उससे बात करना चाहिए तो आपसे बात कर लेंगे फिर हम। तो ठीक है चलते हैं फिर। मैं अभी कोचिंग आ गया हूँ और भाई बहुत तेज़ साइकिल चला के आया, हद से ज़्यादा तेज़, पर पैर दर्द करने लगा, थर थर आने लगा पैर। तो बस चलो कोचिंग चलते हैं, डांट सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ठीक है हो गया, एक मतलब एक हम लोग का जो मेन कोचिंग होता है वो ख़त्म हो गया। अभी अब जा रहे हैं अपना स्टडी करने के लिए नॉर्मली। और आज भैया पूछे हैं सबसे, आज दोनों मार खा गए दोबारा, दोनों क्या पूरा क्लास ही मार खाया दोबारा। तो क्योंकि भैया घुमा घुमा के कहीं ना कहीं ठोक ही देते हैं हम लोग। तो ठीक है चलो चलते हैं, कुछ भूख लगा कुछ खाते हैं उसके बाद पढ़ाई करते हैं। तो अभी कुछ खाते हैं क्योंकि बच गया है 2 और भूख भी लग गया था बहुत ज़्यादा सबको। सब बैठे हुए अपने रूम में और हम आगे थोड़ा वीडियो बनाते हैं और सर लगा दिए हैं क्योंकि ये सब गया सबको डांट रहा था, इसलिए आप देखो रावण जादू किए भाई सब। तो खाना पीना हो गया हम लोग का और बस तो वो देखिए वो वहाँ लेटे हैं और ये लोग इधर है। अरे एक भैया गए हैं उस साइड। तो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं 10 से 15 मिनट, उसके बाद चलते हैं दोबारा पढ़ाई करेंगे। तो क्योंकि क्लासेस अब 4 बजे और हम लोग बैठ चुके हैं और क्या करें, बस बैठे हैं। पढ़ाई लिखाई हो गया, मूड ऑफ हो गया अभी और कल से इसी टाइम पे आना है दोबारा घर। टाइम कितना, 7:05 बजे, 3 बज गया सॉरी, गलती से निकले सर। ठीक है 5-6 बजे पहुंच जाएंगे घर और फिर खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, पढ़ाई। तो बैठे बैठे मूड ऑफ हो गया, शांति से चुपचाप से आके हम लोग ऐसे दूसरे रूम मतलब दूसरे जगह में आके ऐसे बैठ गए हैं हम आए। और भैया लोग गए थोड़ा तो काम से बाहर, टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए मतलब फ्रेश व्रेश होने के लिए गए हैं। और सुशील को बुलाए थे कि हाँ आ जा भाई थोड़ा सा बैठते हैं इधर, तो सुशील आया है अभी। देखो आप सुशील को देखो। तो चलो चलते हैं फिर, कोई बात नहीं। और तो ठीक है, तो ये आ गया देख रहे हो, इसको जब कॉल करूँ तब आ जाता है। रामी है मेरा भाई, है मेरा ये भाई, है मेरा ये भाई मेरा, इसलिए। तो चलो इसे थोड़ा टाइम पास करते हैं कुछ देर। अरे क्योंकि है ना
कोचिंग पढ़ते तो नहीं खा पी लिए और थोड़ा सा मन पढ़ भी लिए ज़्यादा, इसलिए तो चले कुछ देर घूमते फिरते हैं, इसलिए थोड़ा घूम फिर रहे हैं अभी। घूम फिर नहीं, कोचिंग से बाहर निकल के बस बैठे हैं और कहीं भी नहीं गए हैं। और कहीं गया है काली पार्क के पीछे? अरे कहीं भी नहीं गए, तुम्हारा खराब करो। तो बस अभी कुछ देर में अपना क्लास शुरू हो जाएगा 4:30 में, तो क्लास करते हैं उसके बाद घर चलते हैं। कौन सा क्लास पता नहीं? पता है मेरे को, पता है इधर आमी को नहीं पता है। आमी तू हो आमी। जस्ट मैं आ गया हूँ घर और भाई गर्मी अलग ही लेवल चल रही है, अलग लेवल गर्मी है और थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है अभी, मौसम देख लो आप, थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है। तो जाता हूँ थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और थोड़ा तो अगर नहाने का होगा तो नहाऊँगा, नहीं तो फिर मुँह कान धोऊँगा थोड़ा सा, बॉडी वॉडी थोड़ा सा धोऊँ। सोच रहा हूँ कि नहा ही लूँ पर देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, नहाऊँगा तो फिर नहा ही लेता हूँ, हटा नहा ही लूँगा। तो अभी जा आ गया हूँ घर, तो जब रेडी वेडी होता हूँ तब तब आप जाके आपसे मिलता हूँ। और मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, मेरा भाई लोग कॉल कर रहा है तो मैं उससे बात करता हूँ। और भाई बहुत दिन हो गया उससे बात की, तो बात करना तो बनता है भाई, इसलिए ठीक है नहाता हूँ खाता हूँ उसके बाद इसको कॉल करता हूँ। ठीक चलो कुछ देर बाद आपसे बात करता हूँ। तो मैं अभी जस्ट छत पे आया हूँ और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार। गर्मी के टाइम में ये सब चीज़ मिल जाए कि हाँ ठंडा ठंडा हवा चले और बहुत सारे चीज़, वाओ। तो चलो थोड़ा एंजॉय करता हूँ मैं इस हवा को और इसकी ठंडीपन को, तब तक फिर जाता हूँ घर नीचे, तो खाना पीना खाऊंगा और वीडियो एडिट करूंगा और डाल दूंगा। तो ठीक है थोड़ा बस बैठता हूँ मैं कुछ देर और उसके बाद नीचे चलता हूँ मैं। तो मैं अभी खाना पीना खा के रेड, मतलब सब कुछ हो गया है और बज रहा है कितना, 8:30 हो गया है। और भाई थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है सब मेरे को, बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा, पर मेरे को पहले पढ़ना है, इससे पहले मैं अपना वीडियो अपलोड करता हूँ क्योंकि कल मेरे को है ना जियो देखना है, मतलब ज्योग्राफी देखना है और पॉलिटी देखना है दोबारा। और मैं आज जाके बायो भी लिया हूँ, बायो और मैथ्स चारों चीज़ मेरा, और भी बहुत सारे सबको दिया गया है आज, एक एक चैप्टर सबको बांट दिया गया है। तो पहले तैयारी करते हैं उसका क्योंकि कल समझाना है सबको बहुत 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 बहुत। तो चलो पहले एडिट कर लेता हूँ वीडियो, उसके बाद जाके मैं बाकी अपना सारा काम करूँगा। तो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ और जय श्री राम, गुड नाइट। मैं कल क्या सोच रहा था ना यार कि कल से मैं एक वीडियो अपलोड तो करूँगा, उसके साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ कि यार अपलोड करूँगा करूँगा करूँगा, पर मेरे को हर बार लगता था ना कि मैं फुल डे का ही करूँ, पर नहीं ऐसा नहीं है कुछ, मैं कर दूँगा कल से मैं फुल वीडियो के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगा। तो ठीक है, तो ठीक है चलते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट तो नहीं करेंगे अब, जा रहे हैं अब सीधा पढ़ाई करेंगे। तो गुड नाइट सबको, पहले छत सब जगह गेट वेट लगा लेता हूँ मैं क्योंकि रात हो गया है, छत का भी गेट लगा लेता हूँ और आगे रूम सब जगह गेट लगा के जाता हूँ मैं अपना पढ़ाई करने के लिए रूम में। तो गुड नाइट, सब लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहो।